आगरा में डेंगू के साथ साथ वायरल के मामले भी लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। शहर के साथ साथ देहात में भी अब डेंगू और वायरल पैर पसारने लगा है, जिसके चलते आगरा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चिंता का विषय बनता दिखाई दे रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के दूत आलोक कुमार ने आगरा में डेरा जमा लिया था। आलोक कुमार आगरा के साथ साथ पूरे मंडल पर निगरानी बनाए रखे हुए हैं और खुद जिला अस्पताल और PAC व अन्य हॉस्पिटल में पहुंचकर जमीनी हकीकत को भी देखा। शासन से अभी हमारे एक नोडल अफसर आए थे, यहाँ 4 दिन जनपद में रुके थे। हमारे 15 ब्लॉक और शहरी एरियो में जो अपनी तैयारी थी उनका उन्होंने जायजा किया, स्थलीय निरीक्षण भी किया। हमारी जितनी CSC PSC प्लस अर्बन एरिया में नगर निगम या नगर पालिका, रूरल में हमारे जितने ब्लॉक्स हैं बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं। जैसे भी हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स या जो पैथोलॉजी हैं प्राइवेट या सरकारी, उससे हम लोग रिपोर्ट डेली ले रहे हैं, और जहां भी हमारे सस्पेक्ट केसेस या जो केसेस हैं जहां कंफर्म होता है उस केसेस को लेकर के अलग से स्पेशल हमारी मेडिकल की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम प्लस सफाई के लिए विशेष वहाँ कैंप लगाया जाता है। कम से कम 2 दिन वहाँ रह करके हम लोग आसपास के जितने भी हमारे इस तरह के लोग हैं जिनको फीवर है उसका इलाज किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग अगर कुछ इस तरह का सिम्टम्स होता है अर्ली अपने को आकर के उनका इलाज कराएं, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अलग से हम लोग एंटी लावा का छिड़काव व्यापक रूप में कर रहे हैं। जो संख्या है, चूंकि आगरा में मेडिकल कॉलेज है और आगरा एक मेडिकल का हब है, यहाँ आसपास के जिलों से भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, यहाँ पे खून की कमी नहीं हो इसके लिए जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेकर के अलग से कैंप भी लगाया गया है। अभी प्लेटलेट्स हमारे मेडिकल बैंक जो हमारा SN मेडिकल में यहाँ है, अलग से यहाँ कुछ NGOs हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन टॉप प्रायोरिटी है अभी। अलग से किरोसिन भी मंगा लिया गया है बिकॉज एक मेडिकल टीम को उनकी ज़रूरत थी छिड़काव करने के लिए, 400 लीटर उनको अवेलेबल करा दिया गया है। पिछले 48 घंटे में जनपद में जो केस आए हैं, एक कन्फर्म केस आया है, बाकी सस्पेक्ट केसेज हैं। अलग से जो उनकी एक रैपिड एंटीजन किट होती है वह भी दिया हुआ है ताकि वहीं पर टेस्ट कर लें और कंफर्मेटरी फिर SN मेडिकल में आता है रन करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।